हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव बांधौर, और दोस्तों ये बांधौर गांव डिवाई के पास पड़ता है, और यहां पर आए हुए हैं। एक घर पर कोई हिरन आ गया है, तो देखते हैं उसकी क्या हालत है और क्या तबीयत है उसकी, आपको दिखाते हैं, आइएगा। तो वो कहीं से लाइव पकड़ कर या अपने आप आए? तो दोस्तों बताया जा रहा है कि वो अपने आप घर के अंदर घुस आया है, कुत्ते उसके पीछे लगे हुए थे, तो अपनी जान बचाने के लिए वो घर के अंदर घुस आया है। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या हालत है उसकी। ये सूजन वगैरह हुए हैं, चोट है ना, गर्दन झुका कर पियो ना यार। वो तो दोस्तों देखिए, फिलहाल इसको हमने देख लिया है और इसके चोट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको अभी इस वक्त हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं इसके लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके ये मुंह के नीचे जो फूला हुआ है उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, तो इसका एक जो लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है, तभी ये ठीक हो पाएगा दोस्तों। और खाया पिया भी नहीं है, जिसके कारण ये वीक है, तो ऐसी हालत में इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी अपनी कोशिश है वो हम पूरी करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे ही अगर कोई भी जंगली जीव है और वो परेशान है या किसी का शिकार हो गया है और ज़िंदा है, तो आप मेरे लिए कॉल कर सकते हो, मैं आपके पास से ही हूँ, पवन कुमार स्नेक हैंडलर। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी निकाल सकते हो मेरा मोबाइल नंबर, और दोस्तों आप डिस्प्ले पे आपको ये नंबर इस वक्त दिखाई दे ही रहा होगा, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, और कभी भी किसी जीव की मदद के लिए मुझे याद कर सकते हो। तो चलिए इसको ले चलते हैं हॉस्पिटल और दिखाते हैं फिर उसके बाद में आगे। अरे
खोलो गेट। बस आज का ट्रीटमेंट इसका पूरा हो चुका है, अब इसको घर ले चलते हैं और कहीं सेफ जगह रखते हैं जो इसके लायक जगह हो, ऐसी जगह रखने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि लगभग ये कितने दिनों में ठीक हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, लगभग कई दिन की इसकी डोज चलेगी? लगभग कितने दिन का? लगभग एक हफ्ते। लगभग एक हफ्ता। तो दोस्तों, लगभग एक हफ्ता लगेगा इसको ठीक होने में। और देखिए, हमारा जो फ़र्ज है और डॉक्टर साहब का जो भी फ़र्ज है, इन्होंने अपना पूरा किया है। जो भी दवा होती है इसके लिए समय पर दे दी है खैर, और इलाज में इसके देरी हो गई है दोस्तों। इसके जो जख्म है, कहीं कहीं उनमें सड़ान पड़ चुकी है और ये जंगल में घूमता रहा है जख्मों को लेकर के। जब ज़्यादा वीक हुआ है तब ये किसी घर के अंदर घुस गया है, तो तब ये हमारी पकड़ में आया है। तो दोस्तों, इलाज में देरी होने के कारण जख्म ज़्यादा है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा भी नहीं जा सकता। वैसे दुआ करते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से अपने जंगल में वापस लौट सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ सभी के लिए बाय बाय, नमस्ते।